जाग जरा, जिंदगी हम तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक होंगे। कल हम आपके लिए वीकेंड स्पेशल शो लेके आए थे, आज हम दोबारा से आ गए 12 घंटे के अंदर। मैंने ये आपसे वादा किया था, हम सिर्फ रात का खाना खाने घर जाएंगे, इतनी तो थोड़ी सी छूट हमें होनी चाहिए। बहरहाल, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और वादे के मुताबिक हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेशल सुपर डुपर फुल ऑफ लाइफ इंफॉर्मेटिव ट्रांसमिशन, जिसमें हम हल्ला गुल्ला भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर आपके साथ करते हैं, एंड ऑब्वियसली आपकी फोन कॉल्स भी लेते हैं एंड गिफ्ट्स भी आपको देते हैं। हमने ये सिलसिला शुरू किया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें हमारी ट्रांसमिशन से। थॉट ऑफ द डे आज क्या है? रोजाना हम किसी ना किसी नए टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इखलाक के हवाले से, कि आपके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज क्या अगले बंदे की जिंदगी पे असर कर सकता है, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपके पास चाहे नाज़रीन जितना पैसा हो, जितनी इज्जत आ जाए, जितना शोहरत हो जाए, लेकिन अगर आप इखलाक के अच्छे नहीं होंगे तो अगले इंसान को आपके उस पैसे का, आपकी इज्जत का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने मुंह से निकाला हुआ हर लफ्ज सोच समझ के कहें, ताकि अगले बंदे के दिल पे बुरे असरात ना हो या अगला बंदा आपकी बात से हर्ट ना हो। यही आज थॉट ऑफ द डे, इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा और अगर अमल कर लें तो क्या ही बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुंदर, बड़ी जबरदस्त, तुमने आज फिर बहुत अच्छी बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। इखलाक एक ऐसी ट्रेट है या एक ऐसी आदत है जो इंसान को, एक इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ करती है। यकीनन कहते हैं कि जी जितना आप बड़े होते जाएं उतना ही आपको झुक जाना चाहिए, उतनी ह्यूमिलिटी आप में आ जानी चाहिए, उतनी हम्बलनेस आ जानी चाहिए। और जब दरख्त भी पेड़, जब पेड़ है, जब उस पर फल लगता है वो भी झुक जाता है, नेचर का असूल है। और हमारे हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है कि आपको ये जो दुनियावी ओहदे हैं या दुनियावी कुर्सियां हैं, ये बड़ी आनी जानी चीज़ें और बड़ी फानी चीज़ें, तो असल चीज़ जो रह जाती है वो आपका इखलाक रह जाता है। और आपने खुद कभी ट्राई करके देखें कि कभी आप ऑब्जर्व करें, अगर आप अपना इखलाक अच्छा रखते हैं, दूसरों के साथ प्यार से उनके दुख दर्द शेयर करते हैं, वो आपको हमेशा चीज़ लॉन्ग लास्टिंग पूरी जिंदगी के लिए आपकी जो है ना वो हेल्प करेगी। आज हमारे साथ यहाँ पे हमारी मेहमान है, नील अहमद उनका नाम है, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है नील? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। नील, आपने फिलोसफी में मास्टर्स किया और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जी हाँ। यानी आप फलसफी हैं आदि कह सकते हैं, कह सकते हैं किसी हद तक। और उसके फलसफी लोग जो है ना, फिलोसफर जो है वो मैंने सुना बड़े ड्राई होते हैं, उनकी जो क्रिएटिव सेंस है ना वो जरा कम होती है। ऑब्वियसली फलसफा एक बड़ी वो डीप चीज है, लेकिन उनकी विजन, उनकी थॉट जो है ना वो दुनियावी लेवल पे नहीं होती, वो और विजन होती है उनकी। तो ये इतना गोल्ड मेडल लेने के बाद फिर आपने एमबीए भी किया, तो ड्रेस डिजाइनर ही बनना चाहती थी आप या कुछ और करना चाहे, पायलट शायलट या कोई और चीज, कोई बिजनेस पर्सन बनना चाहती थी और फिर आप इसमें आ गई? एक्चुअली पहले तो मैं ये आपके मिसकंसेप्शन जो है थोड़ा सा ये क्लियर करूंगी। हाँ। कि फिलॉसफी जो है वो लाइफ से बहुत दूर है या क्रिएटिव नहीं होते हैं लोग। सारी की सारी जो है, हर सब्जेक्ट की अपनी फिलॉसफी होती है, दुनिया की हर चीज़ की अपनी एक फिलॉसफी, आपकी पर्सनालिटीज जो है, हर पर्सनैलिटी की अपनी फिलॉसफी होती है। सो ये नहीं कहा जा सकता कि फिलॉसफी जो है वो लाइफ से जो है बहुत दूर है। हर चीज़ में फिलॉसफी मौजूद है, सिर्फ बात सिर्फ समझने की है। दूसरी चीज़ ये कि एमबीए करने के बाद और स्टडीज़ के बाद, एक्चुअली आई हैव अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। सही। आई लव टू डू समथिंग न्यू एवरी डे, और लेक्चरशिप की ऑफर्स थी एमबीए के बाद, उसके बाद फिलोसफी के बाद, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है कुछ नया करना, रोताना, रिपीटेशन वर्क मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सेकेंडली क्रिएटिव बहुत ज्यादा, मामा बाबा मेरे बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, तो उनकी वजह से हम बहन भाइयों में भी बहुत ज्यादा ये चीज आ गई है। डिजाइनर आप ही हैं फैमिली में? या आई एम द डिजाइनर, माई सिस्टर इज ऑल्सो, वो मेरे साथ काम कर रही होती है। नील, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये आप तख्लीक कैसे, डिजाइनर जो है ये कहाँ से, जैसे वो शायर होता है ना, तो उससे मैं पूछता हूँ अक्सर कि आप शायरी कैसे करते हैं, कोई वक्त मुकर्रर किया हुआ कि 10 से 12 महीने शायरी करनी है, तो आप ये जो डिजाइन करती हैं, जो तख्लीक करती हैं नए नए डिजाइन, ये कहाँ से आपको ये नाजिल होते हैं, ये कैसे आप? मैंने आपको बताया कि क्रिएटिव माइंड है,
अच्छा तो आइडियाज ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, अच्छा, और मेरे जैसे लोग जो कि थोड़े चुलबुले होते हैं कुछ ना कुछ करने का जुनून अच्छा, होता है। चुलबुली भी हैं? बिल्कुल है। अच्छा, हंस रही है, इतनी प्लेजेंट है। और क्या, अच्छा तो, मुझे नील का ड्रेस जो है ना वो बहुत अच्छा लगा। नील ये बाजू दिखा दें थोड़ा लहरा के, ये क्लोजअप इतना खास होना चाहिए, ऐसे हवा में उड़ सकता है बंदा। और ये आजकल बड़ा इन हुआ है, आपको पता नहीं चला इसने सुबह सुबह आपको वर्जिश करा दी, ये अक्सर इस तरह करती है मेहमानों के साथ। वर्जिश की जरूरत नहीं है। इनको क्या कहते हैं हम बाजुओं को? फ्लैपर्स। बेल्ट्स, इसको ज्यादा पता है। चेक नहीं, फ्लैपर ही मतलब बेल्ट भी कह सकते हैं या फ्लैपर्स तो ट्राउजर के। अच्छा ट्राउजर। अच्छा मुझे बताओ आजकल नील फैशन में क्या क्या इन है? लड़कियां बहुत सारी देख रही होंगी इन ट्रांसमिशन, उनको थोड़ी टिप्स दे दो जरा। फैशन में वॉल्यूम वाले ड्रेसेस हैं, गली वाले ड्रेसेस हैं, वो थोड़ा स्लिम बॉडी पे अच्छे लगते हैं। अगर हाँ। आपका थोड़ा सा वेट ज्यादा है तो हाँ। वो आपके ऊपर ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, आप और ज्यादा थोड़ा सा बल्कि तुम ना इस्तेमाल करना। मैं तो मेरे पे तो मैं जरूर नहीं कभी किया, मोटी नहीं होती। नहीं, आप अगर गली वाले ड्रेसेस या वॉल्यूम वाला ड्रेसेस पहनेंगे आपके ऊपर अच्छे लगे। आप मुझे बताएं कि आपने मास्टर डबल मास्टर्स किया हुआ है? जी हाँ। विच इज वेरी गुड, और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, लेकिन इट्स वेरी रेयर ऑल्सो, मतलब इतनी खवातीन स्पेशली इतना ज्यादा पढ़ना और फिर प्रैक्टिकल फील्ड में आना कम होता है, ठीक है? यूजली उनकी जल्दी शादियां हो जाती हैं, या जो पढ़ी होती हैं फिर बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हो जाती हैं। तो आपका ये जो बैलेंस आया, दैट्स वेरी गुड। आपको इंस्पिरेशन कौन था आपके, मतलब फादर ने आपको इंस्पायर किया, मदर ने किया? सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी जब मैंने स्टडी अपनी स्टार्ट की थी, मास्टर मेरा फर्स्ट मास्टर था फिलॉसफी वाला, उसमें मैंने इकबाल की फिलॉसफी और सेल्फ पे थीसिस किया था। वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा, जी इकबाल का फलसफा खुद ही, वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। और अभी भी कभी मैं कभी फेडअप हो जाती हूँ, डिप्रेशन में चले जाती हूँ, तो मैं अपना थीसिस निकाल के पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो उससे मेरी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच नील, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। सच अ प्लेजेंट पर्सनालिटी, सच अ प्लेजेंट पर्सनालिटी, और इतने प्यारे फ्लैपर्स पहने। दोबारा जरा लहरा के दिखा दें। आपने मुझे उड़ा सो मच, उड़ जाऊंगी यहीं से। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का नील, फॉर द प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। ओके ओके जी, ब्रेक की तरफ हमने जाना है। ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं भी यहीं पे मौजूद हूँ, फारूक हसन भी यहीं पे मौजूद है, तब भी हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। जादू 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 जादू